प्रोजेक्ट बंद करो, हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट आज पारो प्रोजेक्ट लैन अफेक्टेड वेलफेयर कमेटी हम लोग आज यहाँ में पीसफुल प्रोटेस्ट किया, धरना बैठा है। तो ये इसलिए हम लोग बैठा है कि हम लोग 18 नवंबर 2019 को सीएमडी को हम लोग जाके 20 डेज का अल्टीमेटम दिया था, हम लोग का पुर्तियत आईटीआई को जल्दी से रेगुलर कर दो बोल के। और इस बेसिस में हम लोग किरण रिजिजू मिनिस्टर जो हमारा यहाँ से रिप्रेजेंट करता है उसको भी हम लोग ने मिला था, उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो नेपको को अल्टीमेटम दिया, उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट धरना में हम लोग को डेमोक्रेटिक मोमेंट में आना पड़ रहा है। और आज हम लोग भी हेड ऑफ प्रोजेक्ट को हम लोग अभी बुलाया था, उसको मिल के आए हैं। सर ने बोला उसका ऊपर में डिसीजन देने का राइट नहीं है। हम लोग को मेमोरेंडम दो बुलाए, हम लोग सीएमडी को थ्रो एचओपी हमने फिर हम लोग आज नोटिस दिया। और ये तारीख का अंदर में हम लोग को कुछ तो सोल्यूशन दो बोल के हम लोग ने फिर से हम लोग नोटिस दिया। और हम लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट को 30 जनवरी 2020 तक हम लोग को चाहिए बोल के बोला। और 2020 जनवरी जो हम लोग डेडलाइन दिया है वो जब तक नहीं आएगा हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते रहेगा। तो आज प्रोटेस्ट किया है, ये तारीख का बाद हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बंद कॉल हम लोग फर्स्ट वीक का अंदर में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बैठ के हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, समय लगता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है? नहीं, वो गलत है। उन लोग ने हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद 2 ईयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड दिया था, तो वो अंदर में हम लोग को रेगुलर कर दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड दे इश्योर आज टू रेगुलराइज देम। और जब 2 ईयर्स खत्म हो गया तो दे हैव एक्सटेंड 1 मोर ईयर्स। वो 1 मोर ईयर्स जो ये 30 जनवरी में खत्म होता है, तो वो 30 जनवरी आने से पहले हम लोग को रेगुलर चाहिए, क्योंकि और हम लोग को ज़्यादा बुद्धू मत बनाओ नेपको को, हम ये बोल रहे हैं। सुनने में आया कि सैलरी इन्हेंसमेंट भी किया गया स्टाफ लोग को, शायद प्रमोशन का कोई सिस्टम है? नहीं, वो सैलरी इन्हेंसमेंट जो ऐसे हुआ है, हम लोग जब 20 डेज अल्टीमेटम दिया उसका बाद उन लोग ने सैलरी को इन्हेंस कर दिया। वो जो हम लोग को एक मतलब छोटा बच्चा को चॉकलेट देखे उसको रोने नहीं देने के लिए चुप करने के लिए ये प्रोसेस में है, डिले टेक्टिक में है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम लोग को जैसे भी रेगुलर चाहिए। अभी इमीडिएट क्या डिमांड है आप लोगों का और कितना आदमी है? ये आदमी कितना टोटल तो सुनने में आया था 48? नहीं, टोटल हम लोग का कैंडिडेट 48 है। तो धरना में और रैली में जो भी होगा बंद कॉल में हम लोग का 48 भी आएगा, गर्जन भी आएगा, गंग बुरा भी आएगा, लोकल लीडर लोग भी आएगा, क्योंकि एक आदमी का ऊपर में हमारा बहुत आदमी होता है। तो इसलिए एक वो 48 आदमी पेट को पालने के लिए हम लोग बहुत आदमी आ जाएगा, तो उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेपको हम लोग को अंदर एस्टिमेट नहीं करना है कि उन लोग ने प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया अभी जैसे डिले टेक्टिक करके रेगुलर नहीं करेगा बोल के, ऐसे हम लोग को मतलब अंदर एस्टिमेट नहीं करना है। बंद कॉल हम लोग जैसे भी करेगा तौर पे आप पूछ सकते हैं किसी भी ऑफिसर को, हम लोग का जो हमसे जो ये ऐसे एक्सटेंशन किया कि 2 साल खत्म होने के लिए और 2 महीना था, तो नेपको ने बोला कि इन लोग